स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में। जैसा कि आप लोगों को पहले सूचित किया जा गया था कि आपके जूलॉजी के सभी क्लास के जो फ्री क्लासेस हैं वो जल्द ही शुरू हो जाएंगे, तो इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं आपके BSc सेकेंड ईयर का पहला क्लास। ये केवल इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन होगा ये BSc सेकेंड ईयर का कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तीन पेपर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उस प्रकार इसमें भी सेकेंड ईयर में भी आपको तीन ही पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर फर्स्ट है कॉर डेटा, सेकेंड पेपर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन मींस होता है वितरण, जंतुओं का वितरण, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बोलते हैं उद्विकास के लिए, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब होता है कैसे एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर और एडल्ट तक का डेवलपमेंट इसमें पढ़ा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इसका दूसरा नाम भी है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इसे बोलते हैं भ्रूण की, भ्रूण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पेपर आपका है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये एनिमल के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है और एनिमल ही बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, प्लांट वाली इसमें नहीं पढ़नी है। तो ये जूलॉजी का आपका इतना तीन पेपर इसमें पढ़ने पड़ेंगे। इसके डिटेल सिलेबस के बारे में आगे बताएंगे हम आपको। तो जैसा कि BSc फर्स्ट ईयर में होता था, इसमें भी ये 33 नंबर का होगा, ये 33 मार्क्स का, और ये वाला होगा ये भी 33 मार्क्स का होगा पेपर, और ये वाला होगा ये 34 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आपके थ्योरी के जो पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के हो गए, और इसके अलावा प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का हो गया। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल जैसा BSc फर्स्ट ईयर में था वैसा ही BSc सेकेंड ईयर में है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पेपर भी तीन हैं, प्रैक्टिकल भी एक होगा एक। तो आपका आज पेपर फर्स्ट शुरू हो रहा है कॉर डेटा। ये जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है कॉर डेटा। तो सबसे पहले कॉर डेटा के मीनिंग को समझते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पहले BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा था नॉन कॉर डेटा, उसी प्रकार सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना है कॉर डेटा। पिछली बार भी मैंने इसका मतलब बताया था, फिर से सुन लो, कॉर डेटा बना है कॉर्डी प्लस आटा। कॉर्डी का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, आटा का मतलब होता है बियरिंग, अर्थात वे एनिमल्स जिनमें एक रॉड शेप्ड, रॉड की तरह, छड़ की तरह नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वे एनिमल्स किस में रखे गए हैं कॉर्डेटा में रखे गए हैं। इसी प्रकार BSc फर्स्ट ईयर में नॉन कॉर्डेटा पढ़ा था, मतलब किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी, सब में ये एब्सेंट थी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए,
ये नोटोकॉर्ड होती क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझिए। तो जो टर्म कॉर्डेटा है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉल्फर, इन्होंने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी। टर्म कॉर्डेटा जो दिया था वो एक साइंटिस्ट थे वॉल्फर, तो वॉल्फर ने ये टर्म कॉर्डेटा दिया। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल करेक्टर्स की, ये आप नोट कर लेना। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के प्रारंभिक लक्षण, फंडामेंटल मीन्स होता है प्रारंभिक। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के थ्री होते हैं, देयर आर थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स करेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के तीन फंडामेंटल करेक्टर्स हैं। तो पहला जो करेक्टर है ये कहलाता है प्रेजेंस ऑफ ए हॉलो ट्यूब्यूलर डॉर्सल नर्व कॉर्ड। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स तो ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, तीनों को हम समझेंगे बारीकी से। पहला जो फंडामेंटल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ ए हॉलो, हॉलो मीन्स होता है खोखली, जानते ही हो। ट्यूबुलर मीन्स नली की तरह, नलिकाकार। डॉर्सल मीन्स होता है डॉर्सल सरफेस की तरफ, मतलब पृष्ठ। नर्व कॉर्ड मीन्स होता है तंत्रिका रज्जू, तंत्रिका रज्जू मतलब तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, सबसे मुख्य भाग, इसे बोलते हैं नर्व कॉर्ड। तो एक नर्व कॉर्ड पाई जाएगी वो कैसी होगी, खोखली नलिकाकार होगी और हमेशा डॉर्सल साइड में पाई जाएगी। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, रॉड की तरह, रॉड मीन्स होता है छड़। तो एक सॉलिड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड पाई जाएगी जिसकी अभी हमने बात करी थी,
नोटोकॉर्ड बताया था रॉड लाइक होती है, इनके सबके कार्य जो हम लोग हैं आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझो। अगला है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गैल्सलेट्स। फेरिंजियल का मतलब होता है ग्रसनीय, मतलब ग्रसनी के पास ये वाला रीजन जो फेरिंग्स रीजन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स रीजन में गिल्सलेट्स पाए जाएंगे, मतलब सांस लेने के लिए श्वसन छिद्र होंगे, इन्हें हम बोलते हैं गिल्सलेट्स। तो तीन कैरेक्टर जो हैं वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स कहलाते हैं कॉर्डेट के। अब एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे ये कोई एनिमल है इस प्रकार से, इधर इसका हेड है ये, और इस साइड में इसकी टेल है। अब देखो क्या क्या है, एक तो नर्व कॉर्ड होगी डॉर्सल साइड में इस प्रकार से ये खोखली, ये खोखली नर्व कॉर्ड हो गई। एक क्या है रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, तो यहां पर हम बना दे रहे हैं। ये नोटोकॉर्ड, ये ठोस होगी बिल्कुल सॉलिड रॉड की तरह, जिससे बॉडी को सुरक्षा मिलती रहे इस प्रकार से। और ये मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये इसका माउथ है यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर माउथ है इसका, इधर जो है एनस है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है फेरिंग्स। पढ़ा होगा पिछली बार, फेरिंग्स का मतलब होता है ग्रसनी। तो ग्रसनी में ही इस प्रकार से छिद्र होंगे ये, ये छिद्र कहलाते हैं गिल्सलेट्स। गिल्सलेट्स तो इन्हें हम बोलते हैं फेरिंजियल गिल्सलेट्स। गिल्सलेट्स तो देखिए ये तीनों कैरेक्टर्स हैं प्रेजेंट। ये इसकी आंख है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यही तीन के बारे में पढ़ना है सही से। तो देखिए एक खोखली जो है नर्व कॉर्ड है, ये वाली नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ये नर्व कॉर्ड है, खोखली है ये, और हमेशा कहाँ होगी डॉर्सल साइड में होगी नर्व कॉर्ड, और ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड और ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब इसे आहार नाल बोलते हैं। तो देखो तीनों करेक्टर इसमें विद्यमान हैं, एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है जो खोखली है, एक सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो बॉडी को सुरक्षा देती है, और कई फेरिंग्स रीजन में गिल्सलेट्स पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं फेरिंजियल गिल्सलेट्स।
तो देखो तीनों करेक्टर कॉर्डेटा के एनिमल्स के अंदर होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेटा का अगर कोई एनिमल है तो उसमें पहली बात तो नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाएंगे, तीसरी बात है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड हो सकती है लेकिन कैसी होगी, खोखली नहीं होगी, वो सॉलिड होगी, बिल्कुल ठोस होगी। और डॉर्सल साइड में ज़रूरी नहीं है, वेंट्रल साइड में होती है वो, लेकिन कॉर्डेटा में कहीं पर भी ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में नहीं होगी, ये डॉर्सल साइड में होती है। ये डिफरेंस है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। तो थ्री फंडामेंटल करेक्टर्स हैं कॉर्डेटा के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से शुरुआत होती है कॉर्डेटा की। ये फंडामेंटल करेक्टर्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर हैं कोई भी हैं तो वो सबसे पहले यही करेक्टर्स पूछते हैं, फंडामेंटल करेक्टर्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ये फिगर का नाम लिख लेना, थ्री फंडामेंटल करैक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। किसी भी कॉर्डेट का के तीन फंडामेंटल करैक्टर इसमें दिखाए गए हैं। ये डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तीनों करैक्टर ध्यान से आपको समझने हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके काम की, इनका काम क्या है। देखिए जो नर्व कॉर्ड है ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, और तंत्रिका तंत्र जानते ही हो बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। मगर जैसे क्या हम सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो है वो किससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है नर्व कॉर्ड। हम लोगों में ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है नर्व कॉर्ड, इसका नाम बदल गया है, इसे अब बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नर्व कॉर्ड का ही अगला भाग यहाँ पर फूल कर क्या बना लेता है, ब्रेन, इस प्रकार से फूल जाता है और ये बना लेता है ब्रेन। हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो नर्व कॉर्ड ही फूल कर बन गया है ब्रेन। तो ये अगला फूला हुआ भाग ये कहलाता है ब्रेन। फिर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है शरीर की सुरक्षा के लिए होती है, शरीर को सपोर्ट देने के लिए होती है, जिससे शरीर मुड़े ना ज़्यादा। हम लोगों में भी नोटोकॉर्ड है लेकिन वो किस रूप में है, वो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी ये क्या है, नोटोकॉर्ड का ही परिवर्तित भाग है ये। इसमें और एडवांस हो गई नोटोकॉर्ड, वैसे तो एक पूरी ठोस होती है लेकिन हम लोगों में क्या हुआ कि ये टुकड़ों में टूट गई छोटे छोटे इस प्रकार से, लेकिन है ये नोटोकॉर्ड, जिससे शरीर को सुरक्षा भी मिलती रहे और जिधर चाहें उधर झुक भी सकते हैं इस प्रकार से। तो ये नोटोकॉर्ड हम लोगों में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, और हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, नर्व कॉर्ड है। तो इसका काम क्या हो गया, शरीर को सुरक्षा देना, सपोर्ट करना। अगला है फेरिंजियल गिल स्लिट। गिल स्लिट्स हमेशा जहाँ पर भी आए ये श्वसन से संबंधित हैं, मतलब ये श्वसन में सहायता करते हैं। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हम लोगों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन
जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं शुरुआत में, होते हम लोगों में भी हैं, लेकिन हम लोगों में भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और वो क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं रहती। हम लोगों में क्या बन जाते हैं? लंग्स बन जाते हैं, फेफड़े बन जाते हैं। तो ये गिल स्लिट्स सभी कॉर्डेटा में पाए जाते हैं, ये लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, हो सकता है बाद में गायब भी हो जाएं। फिलहाल ये 3 फंडामेंटल करेक्टर्स हैं। अब देखिए, ये तीनों करेक्टर जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं एक साथ हों, लेकिन लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में कॉर्डेटा का अगर एनिमल है तो उसमें ये तीनों करेक्टर ज़रूर पाए जाएंगे लाइफ की किसी भी स्टेज में। हो सकता है लाइफ की एडल्ट स्टेज में हों, हो सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हों, तो किसी भी स्टेज में पाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तीनों एक साथ हों। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक सूचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। और चैनल का नाम है काव्या क्लासेस SPN, आप लोग जानते ही हैं। और ये जो क्लास हैं ये सब बिल्कुल फ्री हैं, एकदम फ्री, निशुल्क हैं, कोई भी चार्ज इसका नहीं लिया जाएगा आपसे। आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है, इधर जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तब। अगला आपका काम क्या है कि आपको नोट्स के लिए जो व्यवस्था की गई है वो नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। ये आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है काव्या क्लासेस SPN, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे एक साथ, और यूट्यूब चैनल पर आपको डेली की डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आपके क्लासेस का जो टाइम है BSc सेकेंड ईयर का, ये मॉर्निंग में 8 AM पर 8 बजे आपको डेली क्लास मिलती रहेगी लगातार। तो आपका यही फ़र्ज है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंड कीजिए, जिससे कोई भी वंचित ना रह जाए, सबको इसका लाभ मिले और सभी पढ़ पाएँ आराम से। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है महामारी की, इसमें जो है कोचिंग चलाना ऑफलाइन संभव नहीं है, तो इसका यही एक विकल्प है कि ऑनलाइन जो है आप पढ़िए। मेरे पास ज़्यादातर कॉन्टैक्ट नंबर जिनके हैं उनके पास मैं भेज दूँगा, और आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपने ही ग्रुप तक नहीं, जहाँ भी आप भेज पाएँ, जो भी स्टूडेंट आप देखें BSc सेकेंड ईयर का है या जूलॉजी से संबंधित है, तो उसको तुरंत सेंड कीजिए, जिससे वो हमसे जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।